नवमी के दिन श्राद्ध में मात्र शक्ति के कपड़ों का दान कीजिएगा, साड़ी इत्यादि का। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से श्राद्ध करने वाले लोगों की सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। सिगरी विपत्ति, विपत्ति पास में आवे ही नहीं। सर्वदेव मयम वासो सर्वदेव स्तुविष्टुतम, कपड़े में सगरे देवताओं का वास होता है। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें सभी देवताओं का वास होता है, एक गाय और एक वस्त्र। गाय का दान करने से भी सगरे देवताओं का दान कर दिया है समझ लो, और वस्त्र का दान करने से भी सगरे देवताओं का आपने दान कर दिया। ये दो ऐसे, इनके दान करने से घोर विपत्तियां चली जाती हैं। श्राद्ध कर्म की बड़ी महिमा है, श्राद्ध में वस्त्र दान सबको करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध में वस्त्र का दान करता है वह यज्ञ तपस्या और कई प्रकार के दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति समाज चित्र से श्राद्ध के अवसर पर विविध उपकरणों का दान करता है, रसोई में बनाने वाले बर्तन, चकला, बेलन, यहाँ तक कि इन सबके चिमटा, जानता है आप, देखते हैं आप, देखे हैं कभी चिमटा जिसमें रोटी पकड़ी जाती है, उसका भी नाम आया, इसमें बेलन का भी नाम आया। ऐसे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, उन्हें तत्काल यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सर्व काम समृद्धस्य यज्ञस्य फलमश्नोति, उन्हें संपूर्ण यज्ञ, आपको पता ही नहीं होगा यज्ञ कौन कौन से होते हैं, इतने यज्ञ हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोजन दान पुण्य कराने करने से स्त्री पुरुष को संपूर्ण यज्ञ करने का फल मिलता है। इस श्लोक में यही लिखा है, इसमें लिखा है सर्व काम समृद्धस्य यज्ञ सफल मनुष्यते, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अनेकों प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, धान्य, मीठा, पेठा, घृत, शक्कर, खिचड़ी, मधुपर्क, दूध की बनी हुई वस्तुएं, मालपुआ आदि श्राद्ध के समय पर इसका दान जरूर करना चाहिए। एक बार फिर बोल दूं, अपने घर में ये चीज़ें बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। क्या क्या है? कुसारान मधुपर्क च, पया पाय समेव च, स्नाधाश पुपान्योदा अग्निष्टोमस्य यत् फलम्। क्या क्या आ गया? पेठा, वही आगरे वाला पेठा जो एकादशी में मैं आपसे बंटवाता भी हूँ और आपको खिलवाता ही हूँ। पेठे को इतना सो माना गया, बढ़िया माना गया। पेठा, मालपुआ, देखो क्या लिखा है, पेठा श्राद्धों में पेठा मालपुआ शुद्ध देसी घी की बनी हुई चीजें, शक्कर, खिचड़ी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, मालपुआ, इन सब चीजों को ब्राह्मण को खिलाने से वह अक्ष्टियोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बात और सुन लो, जो श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके पुरखों को आपके द्वारा एक वर्ष तक के यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को जमाने की। और ये तो सब बातें लिखी हैं, कोई अपनी बनावटी नहीं है। वर्षा ऋतु के मंगा नक्षत्र में पितृगण दही, शुद्ध गोरस तथा अन्य विभिन्न प्रकार के भोजन से जिस प्रकार से तृप्त होते हैं, उसी प्रकार से जो लोग श्राद्ध के समय में गया तीर्थ में पहुंचकर पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 45 नंबर का श्लोक है, पितर उसी समय शोक रहित हो जाते हैं। इसमें स्पष्ट श्री गया जी की बात कही गई है, लिखा है गयायाम हसनश्चैव दत्ता श्राद्धेन सूचति। इसमें वर्णन किया कि गया जी में पुरखे किसी न किसी रूप से हाथ बढ़ा करके श्राद्ध स्वीकार करते हैं, ऐसी गया जी की बात। यहाँ दशरथ राजा ने भी हाथ नदी में से बाहर निकालकर माता जानकी के हाथ से श्राद्ध को स्वीकार किया। तो 45 नंबर का जो श्लोक है, कहा गया यहाँ पितृगण शोक रहित होकर अपने लोगों के हाथों से और वो इस गया तीर्थ में हाथ आगे बढ़ा करके श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। यहाँ पका चावल, दुग्ध निर्मित खीर, घृत, शहद, दही, ये सामग्रियाँ ये पूर्वजों के श्राद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इसको विशेष मानी गई है।
कहा गया है कि जो यहाँ पर खिचड़ी इत्यादि भी ब्राह्मणों को जमाते हैं उनके पूर्वज एक वर्ष तक संतुष्ट रहते हैं। जो सत्तू जमाते हैं, मालपुआ, कई बार मालपुआ का नाम आ गया है इसमें, तो एक ही बार लिखा है लेकिन मैं चार बार बोल गया हूँ मालपुआ इसमें, हाँ। दधी, सतुआ, ये सब चीजें पूर्वजों को संतुष्ट कर देने वाली है। दानानी परमो धर्म सद्धि सत्कृत पूजितम त्रिलोकस्याधिपत्यम ही दाना देव व्यवस्थितम। तो बड़ी अच्छी सी बात कही गई है, कहा कि इस धरती पर गरीब को भी ये चीजें राजा बना देती हैं। तो यदि ईश्वर ने दिया है और आपकी क्षमता है तो नित्य जितना बने उतना दान कर लेना चाहिए।